जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कही। राजद कार्यकर्ताओं की बैठक में देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि घटना के बाद प्रशासन ने लगाया अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया गया, लेकिन अपराधी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूर्व मंत्री ने किराना व्यवसायी मृतक श्रवण कपड़ी के भाई पवन कपड़ाई भाई से घटना से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी ली और पुलिस के द्वारा अपराधियों के गिरफ्तारी में विलंब पर बात। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रवण कपड़ाई हत्याकांड में पुलिस की शिथिलता को लेकर श्रवण कपड़ाई हत्याकांड मामले में न्याय को लेकर एक मोर्चा का गठन किया गया, जान बचाओ जुल्म मिटाओ मोर्चा। आगामी 29 मई को व्यवहारिक संगठन बैठक कर रणनीति बनाएगा। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन में सभी दलों के कार्यकर्ताओं का साथ लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन के कार्यशैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पास अपनी बात रखी। बता दें कि 4 मई को अज्ञात अपराधियों ने किराना व्यवसायी मृतक श्रवण कपड़ी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बैठक में पूर्व मंत्री रामलक्षण राम रमण, पूर्व विधायक उमाकांत यादव, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राजेश सिंह, प्रदीप प्रभाकर, मो औशाफ लड्रन, सुरेश चंद्र चौधरी, पूर्व मुखिया उमेश यादव, भोला यादव, ईद्रीश मंसूरी, हरि नारायण यादव, वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार, अमित यादव, सचिन चौधरी, रमेश सिंह, प्रोफेसर मनीक लाल यादव, देवनाथ यादव, रामभजन यादव, पूर्व प्रमुख भोगी यादव, श्रीनारायण महतो, अमरेंद्र चौकसिया, चंद्रशेखर झा सुमन, बैद्यनाथ यादव, सुरेश चौधरी, सुरेंद्र यादव, रामवीर यादव, सोहन महतो, शिवशंकर ठाकुर समेत अन्य मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता हरि नारायण यादव ने किया। भरोसा तोड़ दिया, इसका मतलब उसने अपने जवाबदेही को निर्वहन नहीं किया, जो उनका दायित्व था, जो उनका ड्यूटी था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी पर आज विचार क्या करना है। आप लोग सब लोग राय दीजिए, मार्केट के लोग हैं कि नहीं। नए पुलिस कप्तान भी आए, नए पुलिस कप्तान भी नए पुलिस। हाँ, मैंने राजेश को बता दिया इनको। हाँ, उन्होंने जब वो ज्वाइन कर लिए, जब हम 10 तारीख को थे आतंक, उसी समय जो दिन के बाद 14 को लग रहा, तो 16 तारीख को हमको उन्होंने कहा कि 15 को ज्वाइन करें। उनके ज्वाइन करते ही हम सोचे उनके संज्ञान में बात नहीं होगी। कोई भी नया कप्तान आता है तो उसको पूरी जानकारी नहीं होती है, उसको तो दूसरा जो जाने वाला होता है उसको बताता है, जो एसपी और नहीं था। हमने 16 तारीख को 8 बजे रात का उनको टेलीफोन किया कि आप नए कप्तान हो, आपको हमारा कोई कुछ कहना नहीं, लेकिन मैंने आपके एसआईटी से जो एसपी है तो आप चार्ज में, ये क्या होगा इसमें, क्योंकि जनता में आक्रोश यही सब था मैं। और ये आक्रोश को हम वचन दिए हुए कापरी जी के यहाँ जाकर, हम लोग वचन भंगी लोग ने वचन दे बोल दिए हुए हैं कि ये जनता सड़क पर आएगी, मजबूर हो जाएगी यदि उनको नहीं मिलेगा मैंने कानूनी संरक्षण, उनके जान माल की रक्षा का पूरे इलाके में। तो उन्होंने कहा कि हम 3 बजे तक इतना अच्छा बाजार जो जयनगर के इतिहास में कभी बाजार नहीं हुआ। जब एक एसपी जब चैम्बर कैद का जब घटना था, उस जगह पर मैंने भाषण दी, से पहले चैम्बर वाले भी कहा कि हम लोग का दो ही डिमांड है, एक थाना प्रभारी का निलंबन हो, सस्पेंशन हो, और दूसरी मांग अपराधी को गिरफ्तार हो। जब शहीद चौक पे आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर कहें कि यह डिमांड कहाँ से आ गया कि थाना प्रभारी का निलंबन हो, केवल अपराधी गिरफ्तार हो। जब एसपीओ ने वहां पर आया, डीएसपी ने आया, कोई बहुत बड़ा शेर वो लोग नहीं है, वो हमारे समाज के नौकर है। हम दो दो आंदोलन किए जयनगर में, एक सारण को हटाने का हटा दिए, निलंबित कर दिया, एक विनोद पंकज को आंदोलन किए तो हटा कर दम लिए। हम लोग का यदि रहता तो आज कैलाश पासवान बैठा नहीं रहता, रातों दिन यह आंदोलन चलता रहता। यह चैम्बर के द्वारा था, चैम्बर को 24 घंटे का समय दिया कि क्यों नहीं बिगुल्फ का चैम्बर के सारे मिल के कि क्यों नहीं गिरफ्तार, क्यों नहीं फिर दोबारा बाजार बंद हुआ। चैम्बर यदि दूसरी बात देखे कितने बड़ी आंदोलन घूम गया, जब तीनों चैम्बर भी सब शुरू से जमीन से, जब 3 चैम्बर वहाँ था, भाषण चल रहा था, आप थाना में गए तो तीनों चैम्बर के आदमी को जाना चाहिए था, वही तो पदाधिकारी को उस जगह पे बुलाना चाहिए था। उस जगह धोखा होता है जहाँ पर धरना है, एक अरुण शाह के भाई का गिरफ्तार मर्डर हुआ,
आपको उस समय दीपक बरमवाल एसपी को उस समय आना पड़ा और दो दिन के अंदर में गिरफ्तारी हुई, अपराधी का गिरफ्तार हुआ। जिस दिन ये लोग जाके गुप्तगु क्या क्या नहीं क्या सारे जनता जयनगर के थाना के गेट पे इंतजार करा कि क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ, अपने में बातचीत करके लोग चल गया, राम राम सब है लेके नदी में गया, सारा जयनगर की जनता अबाक रह गया। आंदोलन तो उसी दिन मूव ले लिया, यदि उस दिन उस जगह पर बात होता है तो थे अमित जी भी थे सारे आदमी थे, यदि उसी जगह पर यह बात होता आज यह अपराधी का गिरफ्तार होना निश्चित था। आज हम लोग कोई भी राजनीतिक दल का बिगुल फूके रहते तो हम लोग चूरी बन के बैठे नहीं हुए हैं सर, हम लोग जिसको बीरा उठाए हैं उसको माने लाख जंग तक लड़ के छोड़ते हैं, सारंग का लड़ाई लड़े हमको लाठी नहीं मारना है। एक आलम की हत्या चैंबर का कोई आदमी नहीं था, पहला मुद्दा क्यों हटा, जैकान पहला मांग क्यों हटा कि जाए थाना प्रभारी को, अब तुरंत थाना प्रभारी हटा कि नहीं हटा, हटा कि नहीं हटा, मधुबनी में गोली कांड हुआ डीएमएसपी तुरंत गया कि नहीं गया, तुरंत जाता है इस सब कांड में पिछला के भूल जो हमारा तू आए दिन आंदोलन में सबके सरवन जी इतने बड़ा आंदोलन जयनगर के इतिहास में पहली बार हम देखलिए, हम लगातार 20 साल से शहर में छी, एहन आंदोलन आज तक इतने बड़ा बाजार हम आज तक नहीं देखल, जयनगर के जनता तोरा साथ दिल का, लेकिन नहीं जनता के तू एक लाइन पूछे तक के बात नहीं कला कि पुलिस पदाधिकारी अकेले जाकर की बात कला, सारे आदमी थाना के गेट पर की भेले की भेले की भेले की भेले, जब तोहर लाश राम राम सबके निकले तो सारे आदमी घर चल गए, आखिर कोई बात हुई तो जनता के कह पड़े कि हमरा पुलिस के साथ इस तरीका के बात भैया, आज तोरा जनता तू ने कुछ करता जनता है उपरा से सब हिसाब किताब जयनगर के जनता ल लेने ले थोड़ा सा चुप हुआ आकर के दर्शा देना, हम हमरा पर गलत होते तो आंदोलन नहीं करेंगे, चाहे मांग का पत्र द का लाश ले जाकर जला लेते, हम सब कहबो के लिए 24 घंटा के धरना पर आए, हम कहले 24 घंटा लाश नहीं चलते लाश ले हम तोरा देगा हमरा तोरा साथ देब, हम अपन दल जनता दल पूरे राजनीतिक दल के हम संगठन बनाकर तोर लड़ाई लड़बा ये हम सर के कहते, लेकिन हम अलग राजनीतिक तय कर लड़ाई लड़बा, हम चूंकि गुरु में तय कर कल फिर जाकर अकेले में बात की कर लेते नहीं कर लेते भाई, हम क्षमा चाहिए माइक पकड़ आप लोग पूरी राजनीति नहीं कीजिए, सबको जैसे ही आज हमारे साथ देने के लिए आए हैं एक ही मांग रखी, एक ही सूत्र मांग रखी, उसके घर में दो घटना हुई है, ये दूसरा घटना है अगर उद्भेदन नहीं होता है तो लोग कैसे जिएगा, इस मांग को केवल कीजिए, ऐसे डीएसपी साहब बोल दिए हैं, एसडीओ साहब बोल दिए हैं कि आप लोग लिख के दीजिए तीन चैम्बर और हम इस पर आगे फॉरवर्ड करेंगे इस काम को, तो ये गलत नहीं बोले प्लीज आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, दिशा को मत भटकाइए, मैं सिर्फ ये आग्रह किया था और मैं क्लस साहब सभी प्रार्थना करता हूँ कि आप ही लोग के सहयोग से हमारी ये उद्भेदन हो पाएगा, और प्लीज इस पल्ला मत झाड़िए कि मैं नहीं रहूँगा, आपका सम्मान मैं सब दिन किया हूँ, मेरे परिवार किया है, हमारे घर के हमारे व्यवसाय के तीनों चैम्बर का भी सम्मान किए हैं और आप हमारे चेयरमैन हैं, मैं हमेशा सम्मान किया हूँ, आप एक शब्द बताइए जो हमारे परिवार का सब आदमी आपसे खुद सम्मानित करते हैं कि नहीं, आप बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए पवन जी जी आप देखिए हम तुरंत आपके घर पर गए, आप सबसे आदमी से पूछ जी जी वो बहुत देर से सुबह में भी गए हैं जी, तो हम तो पोस्टमार्टम के लिए निकल गए थे, आप आए थे पता चला, पहले पहला एक लाइन आपका सवाल सर, बहुत दिन से राजनीतिक करते हैं, सब राजनीतिक दल का ही आदमी है, सारे आदमी जगह राजनीतिक दल से ही जुड़े हुए हैं, व्यवसाय वर्ग भी है, कहीं भी दुनिया में हत्या होती है ना तो सबसे पहले जो थाना अध्यक्ष होता है वही दोषी होता है, जीवन में नोट कर लीजिए, कहीं लड़ाई लड़िएगा ना तो सबसे पहला जो थाना अध्यक्ष कहीं भी इतने आदमी ठीक हुआ एक जगह रहते हैं, पहले ऊंच लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए ना, जब हम आग्रह किए मेरी बात सुनिए, चूफ चैम्बर का भाषण चल रहा था, सारे आदमी थाना प्रभारी का विरोध कर रहा था, आप निकालिए सबका फुटेज, हम बात किए वहाँ पर कि आप लोग का मांग क्या है, हमको दो मांग है, कैद का भी आदमी बोला चैम्बर का भी बोला, हम उसी बिंदु पे अपना भाषण दिए, मैं अलग से कोई भाषण नहीं दिया, क्योंकि मैं एक सरकार का आदमी हूँ, जदयू के सरकार में मैं प्रदेश में अभी बीएसपी का प्रभारी हूँ, ऐसा बात नहीं है, हम सरकार का अंग रहते हुए भी आपका साथ दिए, कोई आदमी जल्दी हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी भाई का हत्या हुआ है, ये लड़का बहुत अच्छा था, सबसे व्यवहारिक था, न
मैं सरकार को भी फोन करके आपके सबका नाम इतना।